हम लोग का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि हाँ ये वीडियो वायरल ही हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही यहाँ मंदिर में बैठे गाने बजाने के लिए। हम अभी पढ़ाई करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। कौन क्लास में पढ़? 12th में। आप लोगों का टीम है? जी हाँ टीम है। कितने लोगों का टीम है? हमारा ये लगभग 6-7 लोगों का टीम है। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के एक मंदिर में है और यहाँ पे हनुमान मंदिर है और यहाँ से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राम हरे कृष्णा करके वो भजन है, उसको ये भाई लोग गाते हुए लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पहुँच चुके हैं। स्वागत है, कैसे हैं जी? स्वागत, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजय कुमार है। अच्छा, आप लोग का वायरल हो रहा है वीडियो, पता है कि नहीं? जी देखे हैं, 12 मिलियन क्रॉस कर चुका है वीडियो, देखे हैं। आप दोनों आदमी का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। आप भी यही करते हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम लोग तो पहले कॉमेडी चैनल है हम लोग का, पंडित टीम वाइज, तो उसी पर हम लोग हमेशा फोकस करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और एक दिन क्या मन में आया कि जिस दिन बारिश हो रहा था उस दिन हम लोग यहाँ मंदिर में आ गए और सभी बंदे लोग को बुलाए कि जो भी बंदे लोग आ गए और साथ में बैठ के 4-5 बंदे थे, वही हरे रामा हरे कृष्णा का भजन चालू किए और उसी पे लगे बजाने। जब इस वीडियो को डाले तो अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हमने इसी पर भी फोकस कर दिया। और कॉमेडी चैनल जो है पंडित टीम वाइज, उस पर भी फोकस। आप लोगों का टीम है? जी हाँ टीम है। कितने लोगों का टीम है? हमारा ये लगभग 6-7 लोगों का टीम है। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं? जी हाँ कॉमेडी बनाते हैं। हम लोग 6-7 लोग लगभग, कुल मिला के 10-11 का टीम है मेरे पास। लोगों को मिलकर बनाते हैं? कब से कर रहे हैं सर? देखिए भैया, हम बड़े दुख की बात है, हम लोग तो इस कॉमेडी को लगभग 9-10 महीना हो गया कॉमेडी चैनल को बनाते हुए, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत ब्लॉगिंग किया है। ब्लॉगिंग करने से पहले? जी, मैं बहुत मुसीबत झेला हूँ, क्या बताओ ये मुसीबत कि मेरे साथ जितनी भी मुसीबत है, भगवान करे उसके साथ नहीं आए ऐसा मुसीबत। क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत जगह पर गया, बहुत लोगों से रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पूछने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कभी कभी तो आँख से आंसू आ जाते हैं। लोग गांव के लोग जो कमेंट करते हैं कभी कभी, क्या बोलते थे गांव के लोग पहले? बहुत सारे बात सुनने को मिलता होगा आपको? बहुत ज़्यादा बात सुनने को मिलता था। जैसे हम लोग कॉमेडी पर काम करते थे, हम वाइफ के साथ में वीडियो बनाते थे। अपने वाइफ के साथ वीडियो बनाते थे? जी हाँ, मैं अपने वाइफ के साथ में वीडियो बनाता था, तो लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो यार, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो क्या कर रहे हो? हम के लिए सब टाइम लगता है सर, थोड़ा सा टाइम लगने दीजिए, टाइम लगेगा उसके बाद सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा। आज हनुमान मंदिर से आपको सफलता मिला? तो यही इन्हीं हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों पर पड़ा और हम लोगों ने सफलता के मार्ग पे अपना कदम बढ़ाया है। अच्छा, क्या करते हैं आप? इनका तो इंप्रेशन साफ एकदम गजबे कर रहे हैं जी। क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। कौन क्लास में पढ़? 12th में। 12th में पढ़ते हैं और साथ में कॉमेडी वीडियो बनाते हैं जी। अच्छा, थोड़ा सा वो सब गानवा हो जाए, थोड़ा सा कैसे आप लोग थोड़ा इंप्रेशन से उसी तरीके से हो रहे। चलिए थोड़ा सा पीछे से कीजिएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, गर्द उड़ा दिए जी जी। अच्छा, ये सब कैसे इस प्रकार से कर लेते हैं एकदम एक्टिंग इस तरीके? वो तो हम लोग कॉमेडी बनाते थे तो वही बस कॉमेडी का टैलेंट इसमें लाए। और ये हम लोग का चैनल जो है ये पंडित टीम वाइंस कॉमेडी का जो चैनल है, इस यही पंडित टीम वाइंस नाम है कॉमेडी चैनल का। और आप लोग भी कॉमेडी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग जो इस वीडियो बनाते हैं, हम लोग का ये कोई उद्देश्य नहीं था कि हाँ ये वीडियो वायरल ही हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही यहाँ मंदिर में बैठे गाने बजाने के लिए। गलत गलत बातों से वायरल होते हैं, लेकिन आप राम का भजन गाकर वायरल हुए। जी हाँ, ये तो भगवान हमारे हनुमान जी महाराज का ये आशीर्वाद है कि हम लोग ऐसे इस ढंग से वायरल हुए प्रभु का नाम लेते हुए जी। आगे क्या सोचे हैं? आगे यही सोचे कि हमारी टीम सब किस कार्य पे मौजूद रहती है, यही सब देखना है कि किस काम में इंटरेस्ट लेती है सबसे ज़्यादा। हरे रामा हरे कृष्णा का भजन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा हम चाहेंगे कि ये सब बंद कर दे कर और ओरिजिनल वॉइस में थोड़ा इसको गाएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा, ये जो म्यूजिक पर आप बनाए वीडियो, क्या लग रहा है कौन सा वो गाना पर है, पता है?
कौन गाने पर डूब गए? जी हाँ, ये लड़का तोहरे के पापा कहता है, नीलकमल सिंह का जो है ये, अभी जो हम लोग इसको गाए हैं ये नीलकमल सिंह का गाना है भोजपुरी में जो वायरल हुआ आपका, ये कौन सा है? वो तुम सा कोई प्यारा, तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद में मालूम नहीं है, ये इस पर गाए हैं। जी हाँ, ये इस गाना को ये गाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, पवन सिंह का गाना है। जी हाँ जी हाँ, ये पवन सिंह का भोजपुरी में है और हिंदी में भी ये गाना है, बहुत अच्छा गाना। अच्छा, आप लोग जैसे मंदिर में कर रहे हैं, गांव का बीच में मंदिर है, उसमें आप लोग वीडियो बनाते हैं, गांव समाज के लोगों का कैसा सपोर्ट रहता है? गांव समाज के लोग भी हरे रामा हरे कीर्तन का जो ये भजन जो है, इससे बहुत ही लोग प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं गांव मंदिर में आकर जब ये सब करने लगते हैं? एक बता रहे हैं, ये हमारे एक बाबा है, ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा उधर बैठे हुए हैं, और वो वही बाबा जो पहले हम लोग साउंड बजाते थे तो वही बोलते थे कि यार बंद करो साउंड, अभी नहीं बजाओ, लेकिन जब से ये हरे रामा हरे कृष्णा का भजन ये सुने हैं तब से ये बोलते हैं, लगातार बोलते हैं कि अरे बबुआ लोग कहाँ आते, क्या साउंड चालू करके हरे रामा हरे कृष्णा का भजन चालू कर दो। अच्छा, तो जब हाँ बहुत अच्छा लगता है, तो पूरे गाँव के लोग जब बाबा खुश रहते हैं, हमको लगता है कि पूरे गाँव के लोग ही खुश रहेंगे।